Question number 3. A bird is sitting on a top of a vertical pole, 20 meter height दी हुई है पोल की, and it flies off horizontally straight away from the point. A bird is sitting on the top of a vertical pole, 20 meter height. It flies. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ दिख रहा है मुझे. Right. A bird is sitting on the top of a vertical pole 20 meter high and its elevation. यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज छोड़ गया. Bird is sitting on the top of a vertical pole 20 meter high and its elevation elevation from a point O on ground is 45 degree. It flies आगे ठीक है. It flies off horizontally straight away from the point O. After 1 second the elevation of the bird from the O is 30 degree. Then speed of the bird in meter per second is. Very simple question but asked in JEE Mains 2014. तो देखिए ये पोजीशन ये है कि बर्ड जो है 20 मीटर और दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज आल्सो 20 मीटर मेकिंग 45 डिग्री एंगल यार. तो ये जो है पोल पे यहाँ पॉइंट O से 45 डिग्री एंगल बना रही है. सो इनिशियली अगर 45 डिग्री बना रही है तो आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे 20 मीटर लिख देना है क्योंकि 45 डिग्री एंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. ये हो गया. अब बर्ड फ्लाई करती है यहाँ से पॉइंट ए से. राइट. दिस इज ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर. इट फ्लाइज हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ. ओ से इस तरफ जाएगी और हॉरिजॉन्टली जाएगी. सो बर्ड फ्लाइज एंड इन 1 सेकेंड इट कैचेस हियर, यहाँ आ जाती है. नाउ the angle is now 30 degree. This angle is 45. Initially it is making the 45 degree angle here, right? और बाद में इसका जो angle हो जाता है that becomes the 30 degree angle, right? Now it is making the 30 degree angle. This whole angle is 45 degree. Now it is making the 30 degree angle with the point, same point O, right? So let's say it has traveled the x distance and this is 1 second. 1 सेकंड में ट्रेवल किया है और स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड में बतानी है. तो ये तो 20 मीटर है पता ही है हमें और ये वाली लेंथ भी x + 20 हो गया. तो बहुत इजी है क्वेश्चन ये. 1030 आप लिखोगे, देखिए 1 सेकंड में है. 1030 लिखोगे. 1030 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 20 अपॉन बेस इज x + 20 और 1/√3 1030 इक्वल्स टू 20 अपॉन x प्लस दिस इज 20. So you can write the x + 20 equals to 20 upon root 3, right? So x equals to 20 upon root 3 minus 20. So you can take out the 20 common. 1/√3 minus 1, 20 into. और जिस तरह से आंसर लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी. So 1030 1/√3 बराबर लिखा है x + 20 इक्वल्स टू 20√3 होगा. दिस इज 20√3. दिस इज 20√3. नाउ इट इज 20√3 माइनस 20. तो ये √3 तो ऊपर ही आएगा, राइट? दिस इज √3 माइनस 1. सो 20 इज कॉमन, √3 माइनस 1. सो दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. दिस इज द स्पीड, राइट? सो देयरफॉर स्पीड B 20 into √3 minus 1 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये 1 सेकेंड में यहाँ से उड़ के यहाँ आ गई बट, ठीक है? और वही हमने डिस्टेंस लिखी थी और हमें स्पीड बतानी थी मीटर पर सेकेंड में, तो वही स्पीड है, ठीक है? सो दिस इज द हाउ द क्वेश्चन 3 इज कम्प्लीटेड. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं.